नोज, इट हेल्प अस टू स्मेल वेरियस थिंग्स वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज। हम क्या सकते हैं, हम यह हमें क्या करता है, विभिन्न चीजों को सूंघने में मदद करता है, ठीक है, और हमें सांस लेने में मदद करता है। इनसाइड द नोज देयर आर नेवर एंडिंग नर्व एंडिंग दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल, दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, अवर ब्रेन टेल अस अबाउट स्मेल। ये क्या करता है, हम अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं, नाक के अंदर क्या होते हैं, जो अंदर जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, थीके? उसके अंदर जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो गंध के लिए, ठीक है, जो हमें गंध का एहसास दिलाती हैं, ठीक है, थीके? वो हमें दिलाती हैं, वे मस्तिष्क को मतलब क्या करती है, संदेश पहुंचाती है, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, और हमारा मस्तिष्क हमें इस गंध के बारे में बताता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोज लिखा है, रूट ऑफ द माउथ है यहाँ पे, ये नॉस्ट्रल्स है हमारे, ठीक है, नासल्स कैविटी हमारे यहाँ पे आ गई है, नर्व एंडिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नोज। नाउ केयर ऑफ नोज माने मतलब नाक की देखभाल, कीप योर नोस्ट्रल्स क्लीन बाय ब्लोविंग देम जेंटली। हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे नाक को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है, डू नॉट यूज योर फिंगर टू क्लीन नोज। हमें क्या नहीं करना चाहिए, नाक को साफ करने के लिए अपनी उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाउ एयर, वी हैव टू ईयर्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, देयर आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दो कान है, ठीक है, एक सिर के दोनों ओर एक एक कान है, ठीक है, सर के एक तरफ एक कान है और सर के दूसरी तरफ दूसरा कान है, ये सुनाई देने वाला ऑर्गन है, ठीक है, अंग है। वी आर एबल टू हेयर वेरियस साउंड विद द हेल्प ऑफ अवर ईयर। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कानों की मदद से विभिन्न प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं या सुनने में सक्षम है, ठीक है। द पार्ट ऑफ एयर वी सी इज द आउटर एयर। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा जो देखे जाने वाला जो कान का हिस्सा है वो क्या होता है, बाहरी कान होता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटर ईयर बोला जाता है, ठीक है। इट इज लाइक ए फनल एंड कलेक्ट साउंड वेव्स एंड पासिस देम टू द एयर ड्रम। और ये क्या करता है, ये एक ये फनल की तरह होता है और ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें क्या करता है, ईयर ड्रम में लेके जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईज है, ठीक है, यहाँ पे ईयर ड्रम ये रहा, इसके द्वारा हम सुनते हैं। ओके, द ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक द स्किन ऑफ ए तबला व्हेन स्टक विद साउंड वेव्स। दीज वाइब्रेशन पास इनटू इनर एयर, नर्व सेल इन द इनर एयर सेंड सिग्नल टू द ब्रेन टेल अस अबाउट द साउंड। अब ये क्या बोलता है कि जो ध्वनि की जो तरंगों के साथ जो फनल पर आती हैं, ठीक है, थीके? वो क्या करती है, एक एक साथ आती हैं, ठीक है, त्वचा की तरफ जो कंपन शुरू करती हैं, ठीक है, थीके? ये की तो वाइब्रेशन क्या होता है, वो कंपन शुरू कर देती हैं, ठीक है, थीके? और ये कंपन भीतरी कान में क्या हो जाता है, कान में चले जाता है, और जो आंतरिक कान होता है, अंदर का कान जो होता है, में जो तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं वो मस्तिष्क को जो होते हैं ब्रेन को क्या करती हैं, वो सिग्नल देती हैं, ठीक है, सिग्नल देती है या भेजती है, और हमें क्या करता है, और हमें ध्वनि के बारे में मस्तिष्क बताता है, कौन बताता है, ब्रेन बताता है हमें उस साउंड के बारे में। ओके, केयर ऑफ एयर माने हमें कान की देखभाल। नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर। हमें कोई भी नुकीली चीज या नुकीली वस्तु को नहीं डालना चाहिए कान में, ठीक है, क्लीन योर ईयर विथ एन ईयर ड्रम, और अपने कानों को एयरबर्ड से ही एयरबर्ड, ठीक है, विथ एन एयरबर्ड के साथ साफ करना चाहिए। डू नॉट लिसन वेरी लाउड म्यूजिक, इट इफेक्ट द एयर ड्रम। और बहुत जोर से संगीत ना सुनने नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे किसको, ये हमारे ईयर ड्रम को प्रभावित कर सकता है। नाउ टंग, टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग क्या है, हमारा जीभ स्वाद का एक अंग है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड इन डिफरेंट एरिया ऑफ टंग। हमारे क्या होते हैं, फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, दे हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट सो सॉल्ट एंड बिटर फूड आइटम। ये हमें क्या करते हैं, हमें मीठे खट्टे नमकीन और कड़वे खाने
खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने में मदद करते हैं। केयर ऑफ टंग हमें कैसे कर सकते हैं, जीभ की हम देखभाल कैसे करते हैं, क्लीन योर टंग डेली विथ ए टंग क्लीनर एंड क्लीन वाटर। हमें टंग क्लीनर से और साफ पानी से अपनी हमें अपनी टंग को साफ करना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए फोर बर्ड्स ये रहे, 1 2 3, ठीक है, ये सारे हमारे, ठीक है, क्या है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलेगा, स्वीट है तो हमें स्वीट का पता चलेगा, ये हमें सॉल्ट टिक नमक का हमें पता चलेगा, ठीक है, ये इससे हमें, ठीक है, कड़वे का पता चलेगा, बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है, इससे खट्टे का पता चलेगा, ये सारे हमारे क्या है, टेस्ट बर्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्किन। स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। स्किन क्या है, हमारा त्वचा स्पर्श का अंग है। इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इंजरीज एंड जर्म्स। इट हैज नर्व एंडिंग दैट हेल्प अस फील हीट, कोल्ड एंड पेन। ये क्या होता है, इससे हमारे शरीर की पूरी क्या होती है, पूरा जो हमारा शरीर है ये हमारे क्या है, इसमें शामिल है ना, हमारा शरीर तो स्किन से ही बना है पूरा, ठीक है। स्किन है बाहर कवरिंग एरिया जो हमारा है, और चारों ओर से रोगाणुओं के खिलाफ इसकी रक्षा भी करता है। इसकी जो अंदर जो हमारे जो तंत्रिका जो अंदर अंदर में है, जो हमें क्या गर्मी ठंड और क्या दर्द महसूस करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इसकी जो नर्व्स होती हैं वो हमें क्या महसूस करती हैं, हमें ठंडा, हाँ ठंडी, हमें ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, हमें दर्द हो रही है, ये सारी चीज़ों का एहसास दिलाता है। केयर ऑफ स्किन माने हम इसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। हम आएगा बाथ डेली विथ क्लीन वाटर एंड सोप टू क्लीन डर्ट, है ना, एंड डस्ट। हमें क्या करना चाहिए, साफ पानी से और साबुन से हमें क्या करना चाहिए, डर्ट और डस्ट को साफ करना चाहिए, ठीक है, गंदगी को। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम टू एनी स्क्रैचेस और वन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें जहाँ पे, हमें किस जगह पे अप्लाई करना चाहिए, लगाना चाहिए संक्रमण को रोकने के लिए, किसी भी जब कभी खरोच आ जाती है या कोई जख्म हो जाता है उस पे हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको क्या करना चाहिए, उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नाउ होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल।